जब हमारा मन वासनाओं में डूब रहा हो, जब हमारी बुद्धि दुनिया के भोगों से प्रभावित हो रही हो, जब साधना में हम कहीं अवरुद्ध हो गए हो, हमें अब क्या करना चाहिए ये समझ ही नहीं आ रहे हो आगे, और हमें तत्क्षण मार्गदर्शन की मदद की तत्क्षण आवश्यकता हो, तो ऐसे में क्या उपाय है? ऐसे में उपाय शांति से प्रभु के नाम का जप करोगे तो आपको किसी न किसी दिशा खुल जाएगी, आपके लिए कोई ना कोई मार्ग खुल जाएगा, क्योंकि भगवान ऋषि ही तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार राम का नाम तत्क्षण हमारी सहायता करता है। और दूसरा, गोस्वामी जी ने भगवान ऋषि के रूप में गुरु को माना। बंदहु गुरु पद गंज कृपा सिंधु नर रूप महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। बंदहु गुरु पद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य रूप में हरि, या फिर नर रूप हरि, नर हरि गुरु का नाम नहीं लेते इसलिए बीच में रूप कर दिया नर रूप हरि। फिर जब हम गुरु को इष्ट भाव से भजे, उस समय हमारे लिए गुरु का नाम इष्ट नाम हो जाता है, तब हम जप सकते हैं। लेकिन मानवीय बुद्धि से गुरु का नाम नहीं लिया जाता। नर रूप हरि गुरु भगवान नरसिंह है। तत्क्षण जब हमें मदद की आवश्यकता हो, हमारे लिए एक मिनट मुश्किल हो, स्वयं को हम इस प्रकार से कहीं फंसा हुआ समझ रहे हैं, या फिर हमारे जीवन में बद्धता आ गई साधना में जप तप में, अब समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, हम कहीं बद्ध हो गए, हमारी स्थिति अवरुद्ध हो गई है, आगे का मार्ग समझ नहीं आता, तो ऐसे में सदगुरु के चरणों का ध्यान करते हुए गुरु के वचन का स्मरण करके यदि आर्त भाव से नाम जप किया जाए तो हमारे लिए वहां ऋषि ही प्रकट हो जाए। ये दोनों ही ऋषि की तत्क्षण हमारी मदद हो जाएगी, कोई ना कोई मार्ग खुल जाएगा। लेकिन कब मदद मिलेगी? जापक जन प्रहलाद जी में, जपने वाला प्रहलाद जैसा हो, आर्तनाद से बजने वाला हो, कुछ भी हो जाए, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम भजन नहीं छोड़ेंगे, ऐसी दृढ़ निष्ठा हो जैसे प्रहलाद की थी। पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंक दिया, हाथी के पांव तले कुचलने की कोशिश हुई, ओली का जलाने के लिए बैठी, कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने ये नहीं सोचा कि मैं भजन करना बंद कर दूं तो ये मुझे तंग करना भी बंद कर दे। प्रहलाद के जीवन की विटंबना तो ये थी, उनको तो भजन से तकलीफ थी ना, भजन छोड़ दे तो क्या तकलीफ थी, वो नारायण जप रहे थे इससे तो परेशानी थी, भजन करना छोड़ दे तो कोई तकलीफ नहीं थी, नाम जप से उनके जीवन में तकलीफ थी। लेकिन तब भी प्रहलाद जी ने ये सोचा, हरि नाम के साथ मरना मंजूर है, बिना नाम का जीवन मुझे मंजूर नहीं है। तो परिणाम ये आया, नृसिंह प्रकट हो गए, और जो मारना चाहता था वो मर गया। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है, मन नहीं लगता, तो इसका जवाब अब गोस्वामी जी देते हैं। नाम जपत मंगल दस नाम जप
अनख आलस हो। नाम जप में भाव नहीं बनता, कोई बात नहीं, लेकिन नाम जप करने का तो भाव बना लो कि मुझे जप करना है। जप का भाव बना लो, जप में भले ही मन न लगे लेकिन जप करना है, ये संकल्प दृढ़ कर। मीठा आखिर मीठा लगता ही है, शुरू में न लगे तो ये हमारी बीमारियां हैं। बीमारी में खीर भी कड़वी लगती है तो क्या नहीं लेते? सब यही कहते कि लेते रहो, धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और फिर मीठी चीज मीठी लगेगी। तो उसी प्रकार मन बीमार है तो हमें प्रभु का नाम भी मीठा न लगे, तो यही बात है कि लेते रहो लेते रहो, इसी से मन की सारी विकृतियां शांत हो जाएगी और फिर मीठा मीठा लगेगा। भाय कुभाय अनख आलस हो, फिर भी नाम जपत मंगल दिशी दसों, दसों दिशा मंगल हो जाती है। इस पर कल परसों भी शायद चर्चा की हमने, दसों दिशाएं यानी हमारी दसों इंद्रिया। अब होता क्या है कि कभी कभी आंख से दर्शन करते हैं, कान से बुराई सुनते हैं तो कान से अमंगल आता है अंदर। आंख से तो मंगल आया, कान से अमंगल आया। कान से कथा सुनते हैं, आंखों से किसी का दोष देखते हैं तो कान से मंगल का प्रवेश हुआ, आंख से अमंगल का हुआ। तो फिर कैसे जीवन सुधरेगा, कैसे हमारा अंतःकरण विशुद्ध होगा? एक भी खिड़की से धूल ना आवे तब कमरा साफ होता है ना, सारी खिड़कियों से। या तो धूल ना आवे या तो सारी खिड़कियों से सुगंध का प्रवेश हो। तो ये दसों इंद्रिया दसों दिशा है और इसलिए श्रवण करो, नाम जप अवश्य करो, दर्शन करो, नाम जप अवश्य करो। तो इस प्रकार दसों दिशा से, दसों इंद्रियों से, दसों खिड़कियों से हमारे भीतर मंगल का प्रवेश होगा। और मंगल क्या है? मंगल है भगवान, मंगल है राम, मंगल है राम की कथा, मंगल है राम के दर्शन। मंगलमय
नाम वंदन की पहली चौपाई में भी नाम शब्द आगे करके बंधु नाम राम रघुवर को लिखा है और आखिरी चौपाई में भी नाम राम शब्द प्रयोग किया। सुमेरी सो नाम राम गुण गाथा। नाम का आश्रय करने से राम का दर्शन हुआ, नामी का दर्शन हुआ और फिर नामी का जैसा मुझे अनुभव हुआ वो अनुभव वो स्वामी जी कहते हैं मैं राम कथा के रूप में रहा।